ना एक बार बताओ पंकज भाई ईमानदारी से ये जितनी गंभीरता के साथ आप आवाज सुन लेते हैं कांग्रेसियों की उनकी यहां पे असंतोष की उनके रुदन की उनके आरोपों की ऐसी आवाज अपनी पार्टी के अंदर की सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं वो केदारनाथ शुक्ला का दर्द आपके कानों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा थोड़ा उसके विषय में भी बताए ना हमें क्योंकि तो कहीं कहीं कोलाज बना लीजिएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो आपके शब्द बता रहे हिमाचल रोना धोना रुदन क्रंदन आरोप मारपीट ये कल से मीडिया की स्क्रीन पर कल सूची जारी हुई एक घंटे बाद शुरू हो गया और कंप्लेन बीजेपी का देख लीजिए केदार शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने बराबर प्रतिनिधित्व दिया और आज भी उनका आदर है पर भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है और सब कार्यकर्ता बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता को समय काल परिस्थिति के आधार पर दल दायित्व निर्धारित करता है जिसको जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करता है पर यदि आज के लोकतंत्र में किसी की अपेक्षा चुनाव लड़ने की तो वो स्वतंत्र है पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया कि इस बार केदार शुक्ला जी के स्थान पर बहन रीति पाठक होंगी तो रीति जी को टिकट दिया गया और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का जो संगठन कहता है उसका हम पालन करते हैं तो केदार जी स्वतंत्र है सर लोकतंत्र में पर केदार जी जैसे एक या दो विषय पर कल से आप आज तक देख लीजिए कि सिवाय कांग्रेस की आलोचना के कांग्रेस के लोगों के द्वारा कोई विषय पूरे प्रदेश के मीडिया में नहीं है क्या बात है आप और रसाल सिंह के दर्द दुख तकलीफ सुनाई नहीं यादवेंद्र आपको सुनाई देगा पंकज जी को ये रसाल सिंह को क्यों भूल जाते हैं आप रसाल सिंह को क्यों अनदेखा कर देते हैं बड़ी उम्मीद के साथ थे आप लाहौर में इस बार गोविंद सिंह को पटकनी दे ही देंगे पर रसाल सिंह तो कहीं और रख लिए सवाल व्यक्ति का नहीं सर जी नाम कमल पहचान कमल निशान कमल जी उस कमल के चुनाव चिन्ह के चिन्ह के साथ कौन खड़ा ये द्वितीय प्राथमिक के, के साथ भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं और ये स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र तो जी हमें बता जी, रहे हैं भाई देखो ऐसा है कि भाजपा के संदर्भ में केवल कमल देखो कुछ और मत देखो कांग्रेस के संदर्भ में व्यक्ति देखो पंजाब मत देखो